Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Geography, Chapter 8, Natural Resources, Natural, Vegetation and Wildlife. So let's start with first para. The environment in which we live is made up of land, water, air and living organism. Human life is closely related to both physical as well as biological environment. जिस वातावरण में हम रहते हैं वह लैंड वाटर एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है मानव जीवन का फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से गहरा संबंध होता है इसमें पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं मानव जीवन को सर्वाइवल के लिए बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आवश्यक होता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजर नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड फॉरेस्ट आर नॉर्मली डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग कैटेगरीज फर्स्ट इज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज रिसीव ओवर टू हंड्रेड सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर टू हंड्रेड सेंटीमीटर रेनफॉल एक साल में होती है इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है ये वन साउथ अमेरिका के अमेजोन बेसिन अफ्रीका के जायरे बेसिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि मलेशिया इंडोनेशिया म्यांमार थाईलैंड न्यू गुएना और पश्चिमी घाट और इंडिया के आसाम एरिया में पाए जाते हैं अमेजोन बेसिन में इक्वेटोरल फेरेस्ट को सेल्वास के रूप में भी जाना जाता है मेन फीचर्स फर्स्ट इज द ट्रीज है और उनकी जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है सेकेंड इज द ट्रीज डू नॉट शेड दियर लीव्स एट एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर ये पेड़ वर्ष के किसी समय भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते थर्ड इज घना जंगल होता है जिसमें बहुत सारे शानदार पेड़ होते हैं फोर्थ सारे वन में समान प्रजातियां के पेड़ होते हैं फिफ्थ महागनी इबोनी आइवरी रोज रोजवुड और वुड ये सब इस जंगल के मेन ट्रीज हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल लाइफ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अबेंडेंट इन बोथ नंबर्स एंड वैरायटी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स होते हैं हालांकि जंगल के घने होने के कारण बड़े शरीर वाले जानवर कम हैं इस जंगल में एलिफेंट और राइनोसिरस जैसे बड़े जानवर अपेक्षाकृत कम घने जंगल में पाए जाते हैं ऑन द अदर हैंड जो जानवर पेड़ों पर या पानी में पाए जाते हैं वो बहुत सारे होते हैं जगुआर और प्यूमा मांसाहारी जानवर हैं जो यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि ये पेड़ों पर चढ़ सकते हैं जो जानवर पेड़ों पर रहते हैं वो है मंकीज़ बर्ड्स स्कुरल्स ट्री फ्रॉग्स इंसेक्ट्स कुछ क्षेत्रों में गोरिल्ला चिमपैजी और जंगली स्वर भी पाए जाते हैंडा इज द लार्जेस्ट found here. फॉरेस्ट में और साथ ही रिवर्स में भी स्नेक्स की कई वेरायटीज हैं एनाकोंडा यहाँ पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अजगर है नदियां और दलदल -दल मगर मछ घड़ियाल और कछुओं और दरियाई घोड़ों का घर है रिवर्स में भी बड़ी संख्या में मछलियाँ पाई जाती हैं इन जंगलों की बर्ड्स और इंसेक्ट अपने ब्राइट कलर्स के लिए जाने जाते हैं नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट जगुआर जगुआर अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कैट है वे हिरण और पाखाना जैसे जानवरों का शिकार करते हैं जो आमतौर पर जंगल में पाए जाते हैं जगुआर का चित्तेदार कोट वन तल के ढके हुए लाइट में परफेक्टली डिसगाइड कर देता है जिससे वे उस पर ध्यान देने से पहले अपने शिकार के बहुत करीब पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स लुक एट द मैप ऑफ दिस चैप्टर वर्ल्ड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड मॉनसून फॉरेस्ट इंडेक्स में देख सकते हैं टू बॉक्स दिए हुए हैं फर्स्ट में ग्रे कलर है जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को शो करता है और सेकंड में पिंक कलर है जो मॉनसून फॉरेस्ट को शो कर रहा है मैप में जहाँ जहाँ पर ग्रे कलर है वहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है जैसे साउथ अमेरिका के अमेजोन बेसिन में अफ्रीका के कोंगो और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया इंडोनेशिया म्यांमार थाईलैंड न्यू गना और इंडिया के आसाम एरियाज में ये पाए जाते हैं और अब देखिए मैप में मॉनसून फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर पिंक कलर है वहाँ पर मॉनसून फॉरेस्ट है जैसे इंडिया पाकिस्तान म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड लाओस वियतनाम कंबोडिया, अमेरिका ईस्ट ब्राजील नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट अफ्रीका इन सभी में मॉनसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं मॉनसून फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डेसीडूस फॉरेस्ट भी कहा जाता है सेकंड पॉइंट इज़ ट्रॉपिकल डेसीडूस फॉरेस्ट मॉनसून फॉरेस्ट मॉनसून फॉरेस्ट ग्रो इन मॉनसून लैंड हैविंग एन एनुअल रेनफॉल ऑफ हंड्रेड टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर मॉनसून फॉरेस्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर हंड्रेड से टू हंड्रेड सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है इन वनों के वृक्ष ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिराते हैं और इनको डिसीडूवस फॉरेस्ट भी कहा जाता है मॉनसून फॉरेस्ट इंडिया पाकिस्तान म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड लाओस वियतनाम कंबोडिया, सेंट्रल अमेरिका ईस्ट ब्राजील नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं मेन फीचर्स फर्स्ट इज दीज फॉरेस्ट आर नॉट एज डेंस एज द इक्वेटोरल फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट इक्वेटोरल फॉरेस्ट की तरह घने नहीं होते सेकेंड ये पूरे साल हरे भरे नहीं रहते ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स गिरा देते हैं और इनको पर्णपाती वन कहा जाता है थर्ड वन इज इस फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंट ट्रीज़ के नेम है बम्बू महागनी रबर सिंकोना साल सीसम और टीक नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाइल्ड लाइफ दीज फॉरेस्ट हैव अ रिच वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन जंगलों में अनेकों प्रकार की बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं मैमल्स में एलिफेंट गौर इंडियन बफेलो नील गाय फोर सींग वाले हिरन काला हीरन, जंगली गधा और एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं शिकार के जानवरों के बीच एशियटिक लुआइन अफ्रीका के बाहर पाया जाने वाला एकमात्र शेर है मैजेस्टिक टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है जो अपने रिच कलर बाजीगर डिजाइन और भयंकर शक्ति के लिए जाना जाता है लुक एट द नेक्स्ट पैरा बर्ड लाइफ इन दिस रीजन इज ऑल्सो रिच एंड कलरफुल द इंडियन पीकॉक द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड्स ऑफ द रीजन सेवरल अदर बर्ड्स सच एज गीज बग्स पीजेंट्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इस क्षेत्र में बर्ड लाइफ भी रिच और कलरफुल है इंडियन पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है यह इस क्षेत्र का सबसे खूबसूरत बर्ड्स में से एक है कई अन्य पक्षी जैसे कि गीज हिरन कबूतर आदि भी यहाँ पाए जाते हैं थर्ड पॉइंट टेम्परेट ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट मेडिट्रेनियन दीज फॉरेस्ट ग्रो इन द नॉर्दर्न एज वेल एज द सोदर्न हेमिसफेयर इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर देर आर फाउंड इन एरियाज बॉर्डरिंग द मेडिट्रेनियन सी एंड कैलिफोर्निया इन नॉर्थ अमेरिका ये नॉर्दर्न के साथ साथ सदर्न हेमिस में ग्रो होते हैं ये जंगल नॉर्थ अमेरिका में भूमध्य सागर और कैलिफोर्निया की सीमा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में वे सेंट्रल चिली के प्रोविंस और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में नैरो स्ट्रिप्स में पाए जाते हैं क्योंकि ये जंगल मेनली भूमध्य सागर के तट के साथ साथ केंद्रित हैं इसलिए ये भूमध्य सागरी जंगलों के रूप में भी जाने जाते हैं इस क्षेत्र की मुख्य जलवायु विशेषता यह है कि रेनफॉल जो होती है वो विंटर्स में होती है और समर्स में आमतौर पर सूखा रहता है लुक एट द सेकेंड मैप ऑफ दिस चैप्टर वर्ल्ड द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड कनीफरस फॉरेस्ट इंडेक्स में टू बॉक्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं फर्स्ट में ग्रीन कलर है जो मेडिट्रेनियन वेजिटेशन को शो कर रहा है और सेकंड में येलो कलर है जो कनी फॉरेस्ट को शो कर रहा है मैप में जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर है वहाँ पर मेडिट्रेनियन वेजिटेशन है जैसे नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया में और सेंट्रल चिले साउथ अफ्रीका नॉर्थ वेस्ट अल्जीरिया और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इन सभी जगह पर मेडिट्रेनियन वेजिटेशन है और मैप में जहाँ पर भी येलो कलर है वहाँ पर कनी फॉरेस्ट है जैसे कनाडा नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड बाल्टिक रिपब्लिक्स और रशिया इन सभी जगह पर कनीफर्ज फॉरेस्ट पाए जाते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेन फीचर्स फर्स्ट इज द ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स विच हेल्प देम इन गेटिंग वाटर डीप फ्रॉम द ग्राउंड ट्रीज की जड़ें लंबी होती हैं जो जमीन से गहरे पानी में जाने में हेल्प करती हैं सेकंड, उनकी छाल मोटी होती है और उनके पत्ते चमकदार होते हैं थर्ड ड्राई सीजन में भी पेड़ हरे भरे रहते हैं फोर्थ वन इज़ इस जंगल के मेन ट्रीज़ के नेम है कोर्क, ओक, पाइन और फिर नेक्स्ट अनेकों प्रकार के फलों के पेड़ जैसे जैतून अंजीर संतरा नींबू आदि भी ग्रो होते हैं इस जंगल में नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ नोट मच वाइल्ड लाइफ इज फाउंड ड्यू टू लैक ऑफ वेस्ट नेचुरल वेजिटेशन स्पेनिश लिंग्स डिजार्ट डियर एंड रेबिट्स आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर विशाल प्राकृतिक वनस्पतियों की कमी के कारण बहुत अधिक वन्य जीव यहाँ नहीं पाए जाते स्पेनिश लिनेक्स छिपकली हिरण और खरगोश यहाँ पाए जाने वाले कॉमन एनिमल्स हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ कनीफरज फॉरेस्ट टैगा द रीजन ऑफ द कनीफरज फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द टैगा कनीफरज फॉरेस्ट के क्षेत्र को टैगा के रूप में भी जाना जाता है ये वन नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया की बड़ी एरिया में 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में कनाडा, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड बाल्टिक रिपब्लिक्स और रशिया शामिल हैं अब हम इसके मेन फीचर्स की बात करेंगे पहला है द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर मोर देन थर्टी मीटर टॉल एंड स्ट्रेट। इन फॉरेस्ट के ट्रीज़ थर्टी मीटर से भी ज़्यादा लोंग और स्ट्रेट होते हैं सेकेंड पेड़ों में पत्तियाँ सुई की तरह होती हैं जो उन्हें विंटर्स की स्नो से बचाती हैं थर्ड पॉइंट इज पेड़ों की ब्रांचेज नीचे की ओर झुकती हैं ताकि स्नो उनके क्राउन को आसानी से फिसला सके फोर्थ इस जंगल के इंपॉर्टेंट रीज हैं फिर स्प्रूस बालसम हेमलोक सरु देवदार कील डगलस एक्सेट्रा नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ इज नॉट अबेंडेंट इन दीज रीजंस ड्यू टू द कोल्ड विंटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड सोर्सेज एनिमल्स माइग्रेट ड्यूरिंग विंटर कोल्ड विंटर्स और फूड सोर्सेज की कमी के कारण इन क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं है यहाँ के एनिमल्स विंटर सीजन में पलायन कर जाते हैं मतलब यहाँ से चले जाते हैं सभी जानवरों के कान जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उनमें मोटा फर होता है कारिबू मूस एल्क, ग्रिजली भालू खरगोश गिलहरी आदि इस एरिया के इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं फिफ्थ पॉइंट इज टेम्परेट ब्रोड लीव्ड डेसीडूवस फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट ग्रो इन एरियाज़ बिटवीन थर्टी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री लेटिट्यूड्स हैविंग वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ये फॉरेस्ट वेस्ट यूरोपियन टाइप के क्लाइमेट वाले थर्टी डिग्री से सिक्सटी डिग्री लेटिट्यूड्स वाले एरियाज़ में ग्रो होते हैं ये इन पार्ट्स में पाए जाते हैं चाइना जपैन कोरिया मंचूरिया साउथ सेंट्रल साइबेरिया नॉर्थ वेस्ट यूरोप वेस्ट कनाडा और सेंट लॉरेंस बेसिन इन एरियाज में टेम्परेचर जो होता है वो थ्री डिग्री सेल्सियस से एट डिग्री सेल्सियस होता है और एनुअल रेनफॉल जो होती है वो लगभग फिफ्टी सेंटीमीटर होती है ओक एश चेस्टनट बीर्च मेपल पॉपलर चेरी हेमलोक आदि इंपोर्टेंट ट्रीज इस फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं इन जंगलों की लकड़ी हार्ड होती है और ये टेम्परेट हार्डवुड फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द रीजन इज नॉट एज रिच एज इट वंस वॉज इस क्षेत्र का वन्य जीव उतना ज्यादा नहीं है जितना एक बार था क्योंकि लोगों ने वनों को काट कर खेती करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई इसी वजह से वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या कम हो गई यहाँ के इंपॉर्टेंट एनिमल्स के नेम है रेड फोक्स फैलोडियर और पाइन मार्टेन ये नेवले की एक जाति है जो ब्रिटेन में पाई जाती है सिक्स पॉइंट इज डेजर्ट वेजिटेशन लैक ऑफ वाटर ड्राई बीड्स एंड हाई टेम्परेचर मेक कंडीशंस डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स पानी की कमी ड्राई विंड्स और हाई टेम्परेचर ये सब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हालाँकि पौधे रेगिस्तानों में उगते हैं और अपने एनवायरमेंट के अनुकूल होते हैं अब हम बात करेंगे डेजर्ट वेजिटेशन के मेन फीचर्स की कुछ पौधों की जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं और चौड़ी होती हैं लेकिन ज़मीन की सतह के ठीक नीचे होती हैं रात में जो ओस गिरती है उसे भी पौधों की जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं सेकेंड पॉइंट कुछ प्लांट्स की बहुत लॉन्ग रूट्स होती हैं जो अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाती हैं बबूल पेड़ की जड़ें वाटर की तलाश में थर्टी मीटर या उससे भी अधिक नीचे तक जा सकती हैं थर्ड पॉइंट लीव्स जो होती हैं वो गिर जाती हैं प्राय या फिर उनको कम कर दिया जाता है सर्वाइव करने के लिए ड्राई पीरियड के दौरान निष्क्रिय हो जाते हैं प्लांट्स और बढ़ना बंद कर देते हैं फोर्थ पॉइंट कई प्लांट्स की लीव्स छोटी मोमी चमड़े जैसी या वानिस टाइप होती हैं जो पानी के नुकसान को कम करती हैं लुक एट द लास्ट मैप ऑफ दिस चैप्टर इसमें भी टू कलर से शो किया हुआ है फर्स्ट है लाइट ग्रीन कलर जिसके द्वारा डेजर्ट वेजिटेशन को दिखाया गया है जैसे कैलिफोर्निया एटाकामा डेजर्ट जो साउथ अमेरिका में है कालाहारी डेजर्ट ये साउथ अफ्रीका में है अब मैप में इसी के ऊपर आप देख सकते हैं सहारा डेजर्ट यह अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में पाया जाता है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी ये डेजर्ट वेजिटेशन है अब हम बात करेंगे वर्ल्ड टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट की इस मैप में जहाँ पर भी पिंक कलर है वहाँ पर डिसीडुअस फॉरेस्ट है जैसे चाइना जापान, नॉर्थ वेस्ट यूरोप वेस्ट कनाडा और सेंट लॉरेंस बेसिन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाइल्ड लाइफ ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन एनिमल सर्वाइव द ड्रोट एंड हीट ऑफ द डेजर्ट थ्रू एडेप्टेशन। एनिमल्स एडप्टेशन के माध्यम से रेगिस्तान के सूखे और गर्म एरिया में सर्वाइव करते हैं अधिकांश मौसमों में ठंडा करने का सबसे अच्छा तरीका पसीने द्वारा बॉडी से पानी का इवेपरेशन होता है लेकिन यह है रेगिस्तान में इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है और रेगिस्तान के एनिमल्स ने अदर कूलिंग और जीवित रहने की स्ट्रेटजी डेवलप की मेन फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ छिपकली और सांप जैसे ठंडे खून वाले एनिमल्स का मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है ये अपने आकार के ही दूसरे मेमल से वन सेवन से भी कम खाते हैं सेकेंड पॉइंट स्कॉर्पियन और बीटल जैसे इंसेक्ट अदर एनिमल्स की तुलना में अधिक बॉडी हीट को सहन कर सकते हैं कुछ इंसेक्ट वैक्सी कवरिंग होते हैं जो नमी की कमी को कम करते हैं थर्ड पॉइंट कई छोटे जानवर जैसे रेगिस्तानी चूहे बिल में रहते हैं जो बाहर से काफ़ी ठंडा होता है और खाने की तलाश में नाइट में ही बाहर निकलते हैं फोर्थ पॉइंट रेगिस्तान में लोमड़ी छिपकली बारा सिंघा गधे और घोड़े भी पाए जाते हैं नाव वी विल डिस्कस अबाउट नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द नेचुरल रिसोर्सेज आर अ कॉमन हेरिटेज रिसोर्सेज एक साधारण धरोहर है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है और बदले में हम उन्हें अपनी आने वाली जनरेशन को देंगे संरक्षण का मतलब यह नहीं होता कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं बट इट मीन्स हमें उन्हें बुद्धिमान से यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फर्स्ट इज़ पूरे वर्ल्ड में जंगल की जो लैंड है वो पहले ही वैज्ञानिक मानदंड से नीचे है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए टोटल लैंड एरिया का कम से कम वन थर्ड लैंड होना चाहिए सेकंड पॉइंट नेचर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच बैलेंस बनाए रखती है बट मनुष्य की एक्टिविटीज़ के कारण जंगल की एरिया कम होती जा रही है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है दैट मीन्स ज्यादा सूर्य की किरणें यहाँ पर फंस रही हैं जिसके कारण हमारे क्लाइमेट पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट जंगल के पेड़ धरती पर रेनफॉल लाने में हेल्प करते हैं पेड़ों की संख्या में कमी के कारण ट्रांसप्रेशन भी कम हो जाता है और इसलिए उस एरिया में रेनफॉल कम हो जाती है फोर्थ पॉइंट जंगल मिट्टी के संरक्षण में भी हेल्प करते हैं और प्लांट्स और ट्रीज़ जो होते हैं मिट्टी को अपनी जड़ों से मजबूती से पकड़ के रखते हैं और उसे बहने नहीं देते फिफ्थ पॉइंट जंगल एनिमल्स को रहने की जगह देता है और उनके संरक्षण में भी हेल्प करता है नेचुरल वेजिटेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और अन्य कई सरकारों ने अपनी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को रिवाइज किया है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स टेकन बाय वेरियस गवर्नमेंट्स फर्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा रहे हैं उनका जो मेन गोल है वह है इकोसिस्टम में जेनेटिक डाइवर्सिटी को संरक्षित करना सेकंड पॉइंट जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। उनके संरक्षण के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जा रहे हैं समय समय पर जनगणना की जाती है थर्ड पॉइंट वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रख करने के लिए नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बनाए जा रहे हैं नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र है जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी को संरक्षित रखता है और सेंचुरी वह आरक्षित क्षेत्र है जो लुप्त प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए होता है संरक्षित भूमि का पहला क्षेत्र यूएसए में येलो नेशनल पार्क था फोर्थ पॉइंट इज़ सैकड़ों सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन डब्लू एफ एंड यूनेस्को वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं लास्ट पॉइंट एजुकेशन भी वाइल्ड लाइफ के संरक्षण में इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है लोगों को वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए सो स्टूडेंट्स दैट वॉज योर ऑल चैप्टर आई होप यू हैव अंडरस्टूड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फोर गेट टू प्रेस द लाइक बटन थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे